8 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला कहते हैं कि गूगल 800 पाउंड का गोरिल्ला है जिसको उन्होंने नाच नचा दिया है। They are the 800 pound gorilla on this, which is what they are, and I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance, and I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day. 800 pound का गोरिल्ला एक अमेरिकन कहावत है, जिसका मतलब है कि कोई पावरफुल कैरेक्टर जिसका पूरी दुनिया में दबदबा हो। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से गूगल को कोई फर्क पड़ता है? तो जवाब है हाँ। गूगल इस स्टेटमेंट से इतना ज्यादा डर गया कि उन्होंने तुरंत ही कंपनी में कोड रेड जारी कर दिया। इतना ही नहीं, गूगल इससे इतना डर गया कि उन्होंने अपने कंपनी के को फाउंडर्स को वापस बुला लिया, जिन्होंने 2019 में ही रिटायरमेंट ले ली थी। पर गूगल ने जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्हें एक ही दिन में $100 बिलियन का नुकसान हो गया। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें आप अपने लिए एक पूरी इंफोसिस कंपनी खरीद सकते हो और साथ में 15 बुर्ज खलीफा, और उसके बाद भी आप बिलियनर ही रहोगे और आपके पास $2.5 बिलियन फिर भी बच जाएंगे। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने गूगल को इतना परेशान कर दिया? जानने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, गूगल का इतना बुरा हाल हुआ है चैट जीपीटी की वजह से, इसलिए पहले चैट जीपीटी को हम समझते हैं। कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 2022 से, जब पहली बार चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। चैट जीपीटी ने मार्केट में आते ही सबका दिल जीत दिया। लोग उसे इतना यूज करने लगे हैं कि सिर्फ 5 दिनों में चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर पार कर दिए। ये नंबर इसलिए भी इंप्रेसिव है क्योंकि इस बेंचमार्क को पूरा करने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे और नेटफ्लिक्स को पूरे 3.5 साल। चैट जीपीटी ने 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स का भी आंकड़ा पार कर दिया है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि टेक कंपनी होने के बावजूद इसने ये टिकटॉक से पहले किया। गूगल, जिसे पूरी दुनिया में 90% सर्च के लिए यूज किया जाता था, अब बहुत से लोग चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। गूगल अभी भी ज्यादा वरिड नहीं था क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ 2021 तक का ही डेटा बता सकता था और लोग इसे सर्च के लिए कम और दूसरी चीजों के लिए ज्यादा यूज कर रहे थे। गूगल को प्रॉब्लम तो तब आई जब सत्य नडेला ने पब्लिकली अनाउंसमेंट किया कि वो चैट जीपीटी को बिंग के साथ इंटीग्रेट करके बिंग चैट लॉन्च करने वाले हैं, यानी जो लिमिटेशंस अब तक चैट जीपीटी में थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद ही सुंदर पिचाई और उनके फाउंडर्स की मीटिंग होती है और अगले ही दिन गूगल अनाउंसमेंट करता है कि वो गूगल बार्ड लॉन्च करेंगे। गूगल बार्ड भी चैट जीपीटी की तरह ही एक लैंग्वेज मॉडल है। लेकिन इस हड़बड़ी के चक्कर में गूगल से 2 मिस्टेक्स हो गई। पहली मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जहां पर गूगल बार्ड के बारे में बात होनी थी, लेकिन उन्होंने गूगल की एग्जिस्टिंग सर्विसेज के बारे में ज्यादा तारीफ करी, जैसे कि गूगल सर्च, गूगल मैप्स और गूगल ट्रांसलेट, और पूरे इवेंट में सिर्फ ये बताते रहे कि ये कितने अच्छे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। हद तो तब होगी जब इस इवेंट में गूगल की रिप्रेजेंटेटिव गूगल के मल्टी सर्च फीचर को बता रही थी और वहां ये चीज दिखाने के लिए मोबाइल अवेलेबल नहीं था और उन्होंने कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। पूरी प्रेजेंटेशन में गूगल टीम कुछ कंफ्यूज ही लग रही थी। सब हैरान थे ये देखकर कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है, वो आखिर इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। इस चीज ने इन्वेस्टर्स को काफी डिसअपॉइंट किया। लेकिन फिर हुआ सेकंड फियास्को, और ये तब हुआ जब गूगल बार्ड से पूछा गया कि एक 9 साल के बच्चे को जेम्स वेब टेलीस्कोप की कौन सी डिस्कवरी के बारे में बताया जा सकता है, जिसपे गूगल बार्ड ने गलत जवाब दे दिया। बार्ड ने लिखा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट की इमेज सबसे पहले कैप्चर करी, जबकि ये आंसर गलत था और इसकी इन्फॉर्मेशन खुद नासा ने दी थी। जिस कंपनी के सर्च रिजल्ट्स पर हम सब इतना ज्यादा रिलाय करते हैं, उसी कंपनी ने जब गलत आंसर दिया तो सब गूगल को लेकर बहुत डाउटफुल हो गए। गलत जवाब के बाहर आते ही गूगल के 8% शेयर्स डाउन हो गए और $100 बिलियन का लॉस हो गया। इससे ये तो तय था कि अभी गूगल बार्ड जीपीटी को कम्पीट करने के लिए रेडी नहीं है और अभी भी उन्हें नए मॉडल्स लॉन्च करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि गूगल तो पिछले 30 सालों से सबका फेवरेट है, लेकिन अचानक से लोग चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? असल में गूगल को सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई नई रेसिपी बताना, असाइनमेंट के लिए रिसर्च करना या फिर रिलेशनशिप एडवाइस लेना। ऐसे बहुत से काम गूगल कर सकता है, लेकिन गूगल का इंटरफेस ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि वो हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बताता, बल्कि बहुत सारे अदर सोर्सेज की तरफ डायरेक्ट करता है, जिसमें से हमें ही चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। इतना ही नहीं, बल्कि हमें तो डिटेल सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नया फोन चाहिए और मेरा बजट सिर्फ 15,000 रुपए है, तो मैं गूगल पर सर्च कर सकता हूँ
which phone should I buy if I have 15,000 rupees? जिसके रिस्पॉन्स में गूगल हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शो करने लग जाएगा जो सेलर्स ने मेंशन किए हुए हैं, और फिर हमें बेटर रिकमेंडेशन के लिए काफी सारे लिंक्स पर जाके खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमें हमारे सवाल का जवाब मिलेगा ये पक्का नहीं है। लेकिन यही सवाल जब चैट जीपीटी से पूछा गया तो वहां पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ ही फोन्स भी रेकमेंड कर दिए। अगर मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं लिख सकता हूं कि शो मी मोर ऑप्शंस, तो इस पर चैट जीपीटी मुझे और ऑप्शंस दिखाने लग जाएगा। एंड दैट्स इट, हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल की तरह हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी ने चैट जीपीटी से ये पूछा कि उसके पास आइकिया कंपनी की क्लिपन लव सीट है तो वो होंडा ओडिसी 2019 मॉडल में कार में कैसे फिट की जा सकती है। तो चैट जीपीटी ने जवाब में लव सीट की डायमेंशंस बताई, कार में अवेलेबल स्पेस बताया, और ये भी बताया कि सीट कार में फिट हो सकती है या नहीं। ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई एआई टूल इतना डिटेल आंसर भी कैसे दे सकता है। कुछ सालों पहले तक हमें चीजों की मेजरमेंट लेनी पड़ती थी और फिर मार्केट जाकर उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बाय करना पड़ता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि हमें बस किसी ऑब्जेक्ट के नाम देने हैं और फिर वो खुद ही डायमेंशंस कैलकुलेट करके हमें पूरा सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि चैट जीपीटी की नींव गूगल ने ही रखी है तो देखिए, दरअसल बात यह है कि चैट जीपीटी जिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, यही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर 2017 में गूगल के रिसर्च लैब ने दिया था और फिर इस चीज को ओपन सोर्स कर दिया। अब हमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गूगल ने अपने टेक को खुद यूज क्यों नहीं किया, या फिर रिसेंटली हमने ये न्यूज पढ़ी थी जिसमें गूगल लेमडा के बारे में बताया गया था। गूगल के एक एम्प्लॉई ब्लैंक लेमोइनी ने रिवील किया था कि गूगल लेमडा, जिसके बेसिस पर गूगल बार्ड बना है, वो इतना एडवांस्ड है कि वो ह्यूमंस की तरह फील कर सकता है और साथ ही सोच और रिएक्ट भी कर सकता है। कहा जाता है कि एआई की ये बात इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने अपने इंजीनियर ब्लैंक को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन जब ये एआई मॉडल्स बाहर आ रहे हैं तो कुछ और ही दिख रहा है। देखिए, जीमेल के फाउंडर का कहना है कि अगर गूगल ने जल्दी ही कुछ एक्शन नहीं लिया तो 2 साल के बाद गूगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की फंडिंग ओपनएआई को दी और अब माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन की फंडिंग देने जा रहा है। अग्रीमेंट के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट 75% प्रॉफिट लेता रहेगा तब तक जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आती, और उसके बाद वो 49% का स्टेक होल्डर होगा। देखिए, एआई की ये रेस अब सिर्फ यूएसए तक ही सीमित नहीं है। चाइनीज कंपनी बायडू ने भी अपना एक एआई मॉडल रिलीज किया है जिसकी वजह से गूगल के लिए कंपटीशन टफ हो रहा है। अब हम सोच रहे होंगे कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी इतने पीछे हटने वाली तो है नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि वो एआई पर पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। गूगल ने 20 एआई प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ सालों में काम किया है। गूगल ने 2014 में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी डीप माइंड नाम की कंपनी में। डीप माइंड भी एक ओपन एआई जैसी एआई कंपनी ही है। वो इतनी एडवांस है कि उन्होंने सारे पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करे हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने अल्फा गो डेवलप किया था। अल्फा गो गो गेम खेलने के लिए क्रिएट किया गया था। गो 4000 साल पुरानी चाइनीज गेम है जो कि चेस से भी ज्यादा टफ मानी जाती है। बताया जाता है कि पूरे यूनिवर्स में 10^82 एटम्स हैं, लेकिन गो गेम में जो पॉसिबल मूव्स हैं वो 10^360 हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम से भी ज्यादा। और अल्फा गो ने इस गेम में हर ह्यूमन को हरा दिया है। जैसे कि अल्फा गो को टेस्ट करने के लिए एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट गो प्रोफेशनल प्लेयर ली सेडॉल और अल्फा गो के बीच एक कॉम्पिटिशन हुआ और अल्फा गो 5 में से 4 बार जीत गया। दूसरा पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म जो डीप माइंड ने बनाया है वो है अल्फा फोल्ड। ये कितना पावरफुल है इसे इस बात से समझा जा सकता है। देखिए, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक पीएचडी स्टूडेंट को 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अल्फा फोल्ड ने सिर्फ क्रिसमस के दिन ही इतने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स फाइंड कर लिए जो कि पूरी ह्यूमैनिटी पिछले 2000 सालों में भी नहीं कर पाई थी। इसके अलावा गूगल के पास लेमडा मॉडल भी है। एक इंटरव्यू में सुंदर पिचाई एआई को लेकर अपना विजन Now we are working on one powerful AI model which can, you know, bring information across 1000 languages. So all that we can use to make sure it's available to more people. But over time, I think the biggest change is, you know, as humans, we look at the world around us, we listen to what's happening, you see with your eyes, and then that's how you consume information. So being able to bring all that, we call this multimodal, you know, and bring that view when you ask a question to Google, and then get that rich answer back, is what I think AI will end up playing a role. Whether you're, you know, showing an image or you look at something and say, tell me about this. You know, we want to bring all that as experiences to our users.
I think AI will end up playing a powerful role and I'm very excited about it. वो कहते हैं कि वो मल्टी मॉडल AI पर काम कर रहे हैं।